घंटी बेटवाई सार दिल में लड़कियां साथे गोली खेल रही। जब से मेरा रू मर गई मैं इनके सब काम कर पड़ा दबा। अब वही आई कही बाबू खाना बनाया खाना बनाया। कितना अकेला करी एक पैसा काम नहीं करा। अब चलते खाना बनाऊ। अब वही जा घूम के आई कही बाबू खाना बनाया आ जा गंदे तारा। लाठी लाठी मारा बोन का आवा आवा ननके हुआ सारे पगली। भगवान पगला ही जन्म लाई थी हमारे को। कहाँ कहाँ घरे जाता है खाना खाने खेले का आया अपना हरा देता है तो भागता है। आज खेल तो भैया बाबू खनवा दे दादा भूख लागबा। अच्छा रोक रोक तो काम जल भूख पटावा देता इतनी देरी में जल्दी बाबू का तो चाय पिया जाए बैठा रहे देखे हमें कुछ गलत जल जाबे मावा ताई किरान ते जाए लगता ही रहे देखे हमें कुछ करे जे जाते हैं। अरे भैया जयराम जयराम जी कहते हैं यार हम भाई बम्बई जाए चाहते जाना
टिकटवा के चक्कर बहुत परेशान है, आज बहुत टेंशन हो गया है। टिकटवा से शुरू मिलत बात है, का बताओ से बम्बई जाबा यार, बम्बई बहुत ज्यादा कोरोना हो, इतनी समय एकदम तहड़कम मचा है, जा दिन हमारे राजा से। एकर मतलब फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? बहुत ज्यादा लॉकडाउन लग जाएगा, एकदम सख्ती है पुलिस की। हां लॉकडाउन लग जाए तो मतलब बहुत मार पड़ी कोरोना में, बाहर निकल पाते मतलब कोरोना फिर से आई यार। लॉकडाउन लग जाए तो फिर कोरोना आए तो पूरा देश जो है फिर तबाह हो जाए। अरे का मतलब देश को बचाने का है? अरे यार बकवास कहां से आई? अरे देश हम बचाओ यार। अरे ननकौ तू का बचाऊगा यार, देश में जो है कोरोना फिर से आ गया है बहुत तेज में और बहुत जोरों में आएगा। लॉकडाउन फिर से लागे देश हम तरह बर्बाद हो जाए। हमारा लोग भारत हो ना बची है, अपन हिंदुस्तान बची उसी ने हमको लागत है। कोनो बात ना है यार भैया, हम बचाऊ हम खेलब ना अब, हम बहुत जुक्ति लगाए के दिमाग लगाए के हम देश के बचाओ। अरे भूख लगी बहुत जोर। अरे राम चलिए हम अमित के दुकान से चाय पी के आई तब ओकरे बाद फिर जो है एक विषय में सोची। चलिए दुकान पर आई गए और जल्दी से हम चाय पी ले, हमार भूख मिट जाए तब हम सोची का हम का करें बटे। ए अमित भैया हाँ कैसे? अरे भैया चाय पी आवा यार। चाय पी आई हर दुकान की चाय बहुत अच्छी रहा था, भूख पूरा मिट जाता है। बड़ा परेशान दिखाता है यार। हाँ यार भैया जल्दी पियावा यार, बनावा बनाया नहीं बनाया? बनत यही रखे यही रखे यही बनत ही बाटे, थोड़ा से इंतजार करा। हाँ हाँ। जो ना पियाई तो का चाय। अच्छा अच्छा एक बढ़िया एकदम मस्त चाय मलाई मार के पियाई थी, तनी देर इंतजार करा। हाँ तो बनावा तनी जल्दी बना दे। हाँ, के दुकान बस चाय शुरुआत है तेज कह देता है। हाँ चला ठीक है जो लेते हैं जो बन जाए तब जाना, ओकरे बाद तब तो काम चाय पी आई थी। हाँ कहूँ जाता है का? नहीं भैया हम कुछ सोचे है, अपन देश भारत देश है ना, कि अपन देश कोरोना से जो सब परेशान है वही पर दिमाग लगावत है, चाय पी ली ना तब दिमाग लगे। कोरोना से परेशान है? कोरोना तो लॉकडाउन में बंद तो हट गया यार। नहीं भैया अमित फिर से लगे वाला बा। अच्छा फिर से लगे वाला बा। चाहिए चलो यार। अबे रही जबे ननकौवा धरते तेरे अबे का मोहे कवर है का? अरे यार तो चाय है बीरबल खिचड़ी है कई घंटा से चुरवा तो हाँ चुरन नहीं पाओ दिया है तो हाँ चाय नहीं बीरबल खिचड़ी है क्या? बता देते ठीक से बोला समझना है ये का इंतजार करी परे जल्दी देता है हम था कितनी से मिल सेकंड दे भाई समझ फालतू ना बोले बताए चाहिए अरे यार कब से शुरू होता है घंटन भर तो होगी वहां हम जोहर जोहर मार भूख यार एकदम पागल है यहाँ चाही बारे मार के यहाँ देखा था एकदम पागल है यार चाय पी के से भूत कितने पटक के हां पटक पटक कितने पटक के ससुर कितने पटक गया मारे हाँ। हेलो 108 नंबर हाँ साहब हेलो साहब बहरिया थाना में लगाना साहब। अरे साहब मेरे गांव के जन नकाऊ वहाँ साहब हमारे चाहे दुकानी बहन हमका साहब मरबो बहन और जो है कितने उतने हमारे उठा के पटक दे हैं हमारे घूमते घूमते सब जो है नुकसान कर दिए हैं तोड़ दिए हैं साहब कहाँ हैं जल्दी आवे आप। अच्छा अच्छा हम घूमती लगा ही खड़ा ही आवा साहब हमका बहुत मार दे साहब बिरभानपुर में आवा हुई यही आवा साहब। अरे अमित घूमती है ना साहब ठीक है क्या बताऊँ जब से कोरोना काल लग गया है बाबा के द्वार पे तो कोई दिखता ही नहीं।
अब सुन रहा हूँ फिर लग रहा है लॉकडाउन और लंबा लॉकडाउन। इस बार तो वो घर से नहीं हिलने देंगे पुलिस वाले। कैसे होगा बाबा का जीवन यापन जब कोई आएगा नहीं तो बाबा किसको चूना लगाएंगे? क्या बताऊं? हे भगवान आज किसी को भेज देना। बाबा आज बहुत दिन हो गया है किसी को मिला नहीं है, किसी को चूना नहीं लगाया है बाबा। आज तो कोई ना कोई जरूर आएगा, ये बाबा का दिन होगा। चलो अपने भक्ति में मैं लीन हो जाता हूँ, जो कोई आएगा बाबा उसका इलाज तो जरूर करेगा चूना लगा के। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा जी बच्चों बहुत बड़ा कोहरा मच गया है कोरोना के। बाबा जी फिर से अपने देश में अपन देश बचाओ कहा बाबा जी, कोरोना युक्ति बताओ बाबा जी। युक्ति? अरे तो बेटा इसमें चिंता की क्या बात है, हमारे पास तो तमाम युक्तियाँ। उपाय बता दे बाबा जी। उपाय नहीं, मैं कोरोना को तो दूर कर सकता हूँ बच्चा, दूर कर सकता हूँ। बाबा जी यहाँ आओ बैठो बच्चा, यहाँ बैठो। पार्टी में बाबा का दौर पवित्र है, यहाँ पे आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाती है। बैठो बच्चा, ये कांटा और कुसा नहीं ये पत्तियाँ ही है, बैठो। है बाबा जी बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा के द्वार पर आए हो। हाँ। बाबा जी बताओ बाबा जी क्या लिया? मैं नहीं ले रहा हूँ बच्चा, गलत मत समझना। बाबा के देवी देवताओं को, बाबा के आराध्य देवताओं को चढ़ावा के रूप में 10,000 रुपए दे रहा हूँ। 10,000 रुपया नहीं है बाबा जी, तो भी मेरे पास कोई युक्ति नहीं है बच्चा, देश नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है तो आराध्यों को चढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा जी पैसा लागे कोनो बात नहीं बाबा जी, देश बचावे क्या है धन बचवा करे परी। कोनो बात नहीं बाबा जी, हम पैसा लेके आओ कि हम देश बचाओ, हम देश बचाए ले वापस। वाह भगवान वाह, आपने तो करम कर दिया, जो मैं सोचा वही हो गया। ये तो पगल घंटी है, इसको तो मैं मूर्ख बना ही दूँ। 10,000 रुपए का जवाब दे दिया। कोरोना से तो देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो रहे हैं बाबा, क्या उपाय बताएगा। लेकिन फिर भी इसको चूतिया तो बना ही सकता है बाबा, कोई बात नहीं आने दो इसको, मैं 10,000 रुपए लेकर के कुछ न कुछ उपाय तो बताऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबा जी आगे बच्चा। हाँ भाई पैसा ले आएंगे बाबा जी, लाओ बच्चा जुगाड़ बताओ मैं देखा बाबा जी, 10,000 पूरा है बाबा जी। बच्चा बहुत अच्छा उपाय, 10,000 रुपए पूरा है ना? हाँ पूरा है बाबा जी। ठीक ठीक ये लो, मैंने अपने आराध्याओं को जब तुम गए थे पैसा लाने, हाँ। सारे देवी देवताओं को मैंने प्रकट किया और उन्होंने मुझे कोरोना की जो देवी जो कोरोना फैला रही है उन्होंने कोरोना देवी को मुझको सौंप दिया। और ये लो देख रहे हो, ये है कोरोना देवी, इसको लेके जाओ और इसी से तुम अपनी शादी रचा लो बेटा, अपनी शादी रचा करके रिश्ता बना लो इस कोरोना देवी से। जब हो जाएगा रिश्ता तुमसे और इससे हमारे पूरे देश को नहीं सताएगा। ले जाओ बेटा, ये लो बेटा, ये है कोरोना देवी, इसी से शादी रचा लेना। जाओ किसी अच्छे पंडित के पास और इससे शादी रचा लो बेटा। शादी ऐसे कह ले भाई? हाँ बच्चा, हाँ बेटा किससे शादी कर रहे, कोरोना की देवी है बेटा। हाँ ले जाओ ले जाओ। बाबू कहा रहे शादी करे पर, चला हमका बाबा जी जुगते बताए बहन की। हाँ शादी कर ले भाई। अच्छा बोला दी भैया शादी करे पर। ये राम, ये हम 20,000 रुपया रखे रहे काया मेहनत का हुआ पैसा वाला, लेकिन आई भाग का हुआ हमार। अरे राम हो, हम 2 क्विंटल सरसों बेचे भगवान, हम बतावा ही हमारा पगला ही हम जेबम रखी दे है सदरी में, लगत हमें ननका हुआ लाइक भाग गवा, जल्दी हम आपा सदरी पहन ले, देखी कहाँ गवा, अपन 1 घंटा निकले भावा, नहीं खर्चा कहीं
भाई से पैसा 20,000 रुपया आइए आइए बेटा आज तोहार कपल लाइए आइए चला कहाँ जा मंगला हमार देश पूरा परेशान बा जन कोरोना सेंटर से आई है पंडित जी जगह जगह लॉकडाउन लगे वाला पंडित जी का बच्चा का हमारे यहाँ प्रयाग रहा पंडित जी ये क्या है बच्चा पंडित जी कोरोना है पंडित जी अरे दूर हो ये कोरोना ले चला जाएगा ये जब पूरा देश परेशान आई हमें लगे ले चला जा एका दूर हो जाएगे नहीं पंडित जी हमारे हिस्से ब्याह करावा अरे ना ना भाई अपन देश बच पाए पंडित जी दूर हो जाए दूर अरे दूर हो जाए पंडित जी हाँ बच्चा कोरोना दे दिया अच्छा अच्छा कोरोना दे दिया हाँ अच्छा बच्चा इसे हमारे ब्याह करा दे बना हाँ बच्चा पूरा अपन देश संकट से मुक्त हो जाए पंडित अच्छा अच्छा बच्चा ठीक है बच्चा देवी जी के यहाँ बैठावा यहाँ बैठा जाए हाँ बच्चा यहाँ बैठावा एकर मतलब ई करो पगले धागा लाइबे हिया बतावा ई कोरोना से बियाह करई आइबे दुनिया कोरोना से परेशान कोरोना देवी खुद पकड़ ली आइबा चल तही ऐसे हम काफी पैसा हम उछब ऐसे बढ़िया मौका ना मिली हमका ठीक है अब चल तही ओकरे लगे हम एकर शादी हम करवा दी हिया देवी रखा बच्चा दान दक्षिणा लागी दान दक्षिणा लागी तब तो शादी होई हाँ यह दक्षिणा बहुत तगड़ा लागी कितना लागे पंडित जी बच्चा 10,000 रुपया हाँ बच्चा हाँ तो कौन बात नहीं पंडित हम दे पैसा बा पंडित जी अपने बाबू से बस चुराई लिया हम दे पैसा ठीक है बच्चा 10,000 रुपया रखा उसके बाद फेरा शुरू करा हम मंत्र पढ़ी पंडित भाई दही सात फेरा लगावा ए बच्चा हाँ पंडित जी नाम का बा आपके हमारा नाम ननका हुआ है पंडित जी ओम नमः शिवाय ननका हुआ आपके साथी ई महामारी कोरोना से होई जाई स्वाहा ई कोरोना महामारी यहाँ से भाग जाई स्वाहा ओम भगंतु भगंतु हिया कोरोना भगंतु स्वाहा कोरोना देवी से साथी हो भगंतु स्वाहा पता लगाई देखी कहाँ बासा आज मिल जाए बेटा आ डंडा डंडा तो हमारा चला देखी तू कहाँ हा हमार तो पता लगाई ले कहाँ हा तेरा यार पैसा चुराई के अरे पंडित पैसा हमारा दे अरे हमारे हम इसका शादी कराए अरे बिया हमार हो दे इरा अबे बिया कर ये बेबी तो बिया कर दिया ये पंडित पैसा दे अरे पैसा बचा दे पैसा बचा दे बाबा ननका हुआ बिया चल ते बिया बेबीस कर दिया ये अरे भाई बाहर सुबह तो सोना बिया का सोना का पैसा दे साहब हम करो ये पंडित क्या हो रहा है हमारे चाही दुकानी हम तो मारे यहाँ हाँ बहुत मारे यहाँ हम तो आए पुलिस ना के नोट बना दे हमारे पटक देने इतनी बड़ी गुंडा है काम करो
उनका जितना नुकसान किया हो उतना भरपाई। चलो तुम थाने अरे भैया नौटंकी नहीं भैया, ये अपन देश बिल्कुल कोरोना से मरे वाला रहा है। ये कोरोना के साथे शादी हमार होत रही है। चुप रहा बाबू, ना बोल बताओ साहब, ना टंकी ना साहब, कोरोना है साहब, इसे हम ब्याह। अरे ये कोरोना लेके टंकी है, कोरोना तो बाबा जी देहन साहब बहाय दे साहब, बहाओ ना इसे हम ब्याह कर रहे हैं। अच्छा पूरी बात बताओ क्या बात साहब, ऐसा है ना अपने देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला बा। अच्छा इसीलिए हमका बाबा जी कहने से ब्याह कैले। हां तो ब्याह कैले बा पूरा लॉकडाउन से सब बच गई है। अच्छा तो तुम्हें बाबा ने बताया तुम इससे शादी कर लोगे? हाँ साहब तब ही करते मिल जाएगी। हाँ हाँ साहब लॉकडाउन नहीं होगा, नहीं होगा साहब, मुक्ति मिल जाएगी। क्या बात है, सोचने वाली बात है साहब। हाँ बोलो, कोरोना की देवी से शादी कर ले भाई। ये कोरोना की देवी है? हाँ साहब। अच्छा बोलो, कोरोना देवी से शादी हो जाए साहब तो अपन पूरा देश बच जाए। ये किसने बताया? साहब बाबा जी बताए साहब, तो तुम इससे शादी कर लोगे तो देश बच जाएगा। हाँ साहब लॉकडाउन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा साहब। कमाल है तो पगल घंटी, लेकिन देश की भक्ति की भावना इसके अंदर कितना भरी हुई है। वाह बेटा। हाँ साहब, तुम्हारे अंदर जो देश भक्ति की भावना है उससे मैं बहुत खुश हूँ। कोरोना भागे या ना भागे, लेकिन तुम जो देश के बारे में सोच रहे हो यह तुम्हारी भावना देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। चलो बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा यार, तुम्हें तुम जाओ अपने घर, हम तो छोड़ दे बस। हाँ जाओ, जा सकते हो, लेकिन आज के बाद ये ध्यान रखना किसी को परेशान मत करना और किसी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? इसको फेंको दूर, इससे कोरोना भागने वाला नहीं है। कोरोना फेंक दो, तुमको बेवकूफ बना दिया। हम अपने बाबू के साथ जाओ। बुड्ढा को समझा के रखना, बुड्ढा को देखना चाहिए। जाओ जाओ जाओ।